रामायण और राम सीधे सीधे श्रवण क्षेत्र से श्रवण कुमार से जुड़े हुए। भगवान राम का नाम लेके सत्ता में लोग आ गए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वोट बैंक का फायदा नहीं है? धरातल पर काम तो हो, जनता को काम दिखना चाहिए। रास्तों में देखा जाए अगर तो जनता कहीं ना कहीं लोगों से कुछ दुखी थी, राजनीतिक दलों से। सरकारें इस पर काम तो कर रही हैं कि वोट बैंक बढ़ाया जाए, और जनपद अम्बेडकर नगर ने तो ऐतिहासिक काम किया है बैंक की राजनीति है, और शायद इसी वजह से लोगों ने धार्मिक स्थलों को अछूत मान के रखा हुआ। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जन जागरण करके और लोगों को अपनी धरोहरों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं, और अगर राजनीतिक दलों ने ये किया होता तो शायद फिर जनता को इसमें इतना उत्साह से भाग लेने की क्या जरूरत पड़ती। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, सभी राजनीतिक दल इस बात की बार बार कहते हैं, चिंता करते हैं और दावा करते हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए वो काम करना चाहते हैं। इस बार इस वक्त जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं अनुपम पांडे हैं, इनका कई परिचय है, इनकी कई पहचान है, कोई इनको क्रिकेटर जानता है, कोई इनको समाज सेवी जानता है, कोई इनको शिक्षक जानता है, तो कोई लोग जानते हैं कि मतदाता के लिए जागरूक करने के लिए ये हर वो काम करते हैं जिससे मतदाताओं में रुझान हो सके। और यहाँ पर जो स्थानीय लोगों की में इनकी सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि श्रवण क्षेत्र के उद्धार के लिए नए श्रवण कुमार के रूप में ये काम कर रहे हैं। ये वहाँ पर महोत्सव कराते हैं, ये वहाँ पर दीपदान कराते हैं, दीपोत्सव कराते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की जो आस्था है और निष्ठा है उसका सम्मान हो सके। अनुपम जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है जनता टीवी में, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, चुनाव हो रहा है तो आप भी एक राजनीति सामाजिक एजेंडे पे काम करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो सामाजिक एजेंडा था वो राजनीतिक दलों में है, उसको ले पा रहे हैं वो लोग कि नहीं? अगर ले पा रहे होते तो उस स्थान की इतनी दुर्दशा ही क्यों होती, या उसके जैसे तमाम ऐसे स्थान हैं जो पूरे जनपद में, मंडल में हैं, जहां कुछ राजनीतिक दलों ने बिल्कुल संज्ञा शून्यता की स्थिति दिखाई, कोई काम नहीं किया उन लोगों ने। अगर काम किया होता तो ऐसी स्थिति ना होती कि श्रवण क्षेत्र जैसा स्थान, शिव बाबा जैसा स्थान, और भी एक झारखंडी महादेव है, हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम ऐसी पौराणिक चीज़ें आपके अपने अम्बेडकर नगर में हैं, उसके अलावा पर्यटन के जो अथाह संभावनाएं हैं, ये एक दर्वन झील है हमारे जनपद में, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उसको भी अडॉप्ट किया है, और वहाँ भी हम लोगों ने श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई किया, बहुत बड़ा एक उत्सव किया। तो कहीं ना कहीं एक जन चेतना का भी अभाव रहा, जन जागरण का भी अभाव रहा, तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जन जागरण करके और लोगों को अपनी धरोहरों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं, और अगर राजनीतिक दलों ने ये किया होता तो शायद फिर जनता को इसमें इतना उत्साह से भाग लेने की क्या जरूरत पड़ती। श्रवण क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, आप महोत्सव कराते हैं वहाँ पे, दीपोत्सव करते हैं, अयोध्या से जुड़ा हुआ है, आपने देखा अयोध्या का कितना वर्ल्ड लेवल पे सरकार ने उसका पुनरुद्धार किया, तो आपको लगता है उसके बावजूद भी श्रवण क्षेत्र अभी भी उपेक्षित है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम लोग कुछ दिन पहले अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर, करीब एक दो साल पहले, जब मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे, अलग हो गए हैं जनपद अम्बेडकर नगर, अलग हो गया है। ऐसी स्थिति में अयोध्या का तो बहुत द्रुत विकास हो रहा है, अम्बेडकर नगर विकास के कदम चल नहीं रहा है अयोध्या के साथ, इसलिए कि हमारे पास कुछ है नहीं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है। आपको मैं बताऊं, रामायण और राम सीधे सीधे श्रवण क्षेत्र से, श्रवण कुमार से जुड़े हुए हैं। यदि श्रवण कुमार की वो कथा जिसके बारे में बात कही जाती है कि राजा दशरथ के पास पुत्र नहीं थे, और जब उन्होंने एक शब्द वेदी बाण के द्वारा जो है श्रवण कुमार का हत्या हो गई उनसे, तब उनको श्राप मिला उनके अंधक ऋषि के द्वारा, जो उनके माता पिता थे, उनका नाम अंधक था, अंधक ऋषि के द्वारा श्राप मिला कि जाओ, जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, आप भी अब पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागोगे। तो उनके मन में ये विचार आया कि वृथा न जाए देवर इस वाणी, कहीं ना कहीं कि जरूर ऐसा है कि पुत्र तो हमको होगे, क्योंकि वो देव ऋषि थे, उन्होंने ये कहा। अच्छा, फिर उसके बाद वो पूरे रामायण का उद्भव ही श्रवण क्षेत्र से हुआ है। मैं एक बात पूरी कर लूं, मैं अपनी
फिर उसके बाद वहाँ से आए तो श्रृंगी ऋषि जी, गोसाईगंज के समीप एक स्थान है श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि जिसे वो मिले राजा दशरथ, और फिर मखौड़ा धाम से जहाँ से 84 कोसी परिक्रमा शुरू होती है अयोध्या, बृहत्तर अयोध्या की, तो वहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, और उसके बाद फिर 4 पुत्र हुए। तो श्रवण क्षेत्र धाम का तो ये महात्मा है, और आज भी वहाँ जनश्रुतियों में ये कहा जाता है कि एक विशाल काय पीपल का पेड़ है जो उसी काल से जो है रामायण काल से वो अभी भी वहाँ मौजूद है, जिसपे श्रवण कुमार की कांवड़ टांगी गई थी। अच्छा, जो वो है। अच्छा अनुपम जी, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है कि वोट बैंक नहीं मिल पा रहा है, वोट बैंक में का फायदा नहीं होता है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए ये काम थोड़ा छोटा है कि कौन पौराणिक चीज़ों को देखे, कौन लोगों की बात करे, कौन पर्यावरण को संरक्षित करे? अरे सरकार, ये क्या बात आपने कहा, वोट बैंक का अगर फायदा ना होता तो भगवान राम का नाम लेके सत्ता में लोग आ गए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वोट बैंक का फायदा नहीं है? धरातल पर काम तो हो, जनता को काम दिखना चाहिए साहब। अगर जनता काम करती है तो निश्चित तौर से, अगर जनता काम करती है तो निश्चित तौर से नेता और जनता के साथ अगर मिल के काम हो तो आप जाने कि वोट बैंक तो बहुत बनेगा। और ये वोट बैंक की ही तो ताकत थी कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और उसके बाद बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आई। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये साबित शामिल करके रखा कि हम राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने, और लोगों ने तो नहीं किया, सरकार बाहर हो गई कम से कम प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि वोट बैंक, जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो कोई भी हो, वो राजनीतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, अगर उन पर काम होगा तो जनता ऐसे दल के साथ जाना पसंद करेगी। अनुपम जी, एक छोटा सवाल ये है कि आप एक अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो कैसे क्रिकेट से मोह भंग हुआ, उसमें आ गए, उसमें क्यों नहीं आगे बढ़े, क्या लगा कि मतलब क्या वजह रही? वो एक दौर था, क्रिकेट खेलने का जुनून था, गांव की गलियों से क्रिकेट हम लोगों ने शुरू की और विश्वविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय की टीम से मैंने क्रिकेट खेला। जो अयोध्या के इसमें वर्तमान महापौर हैं वो हमारे कैप्टन हुआ करते थे और हम लोग दिल्ली तक उनके साथ खेलने गए थे, मेरठ गए थे हम लोग। तो लेकिन अब उसके बाद संजोग नहीं बढ़ा, पढ़ाई लिखाई में के लिए इलाहाबाद चले गए थोड़ा सा फर्दर स्टडी के लिए, और उसके बाद फिर सामाजिक जीवन में और भी विभिन्न कार्यों में आ गए तो अवसर नहीं लग पाया। ठीक है। अच्छा अनुपम जी, बात करें, चुनाव हो रहा है, वोट के परसेंटेज कम है, आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? क्यों सामाजिक संगठन उतना एग्रेसिव नहीं आ रहे हैं, या जनता में रुझान है कि साहब काम तो राजनीतिक लोग करते नहीं है, वोट ले लेंगे, अपनी अपना उल्लू सीधा कर लेंगे? हाँ, ये बहुत समसामयिक प्रश्न है आपका, और इसके लिए आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा, जनतंत्र टीवी को भी धन्यवाद है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों ने उठाया। वास्तव में देखा जाए अगर तो जनता कहीं ना कहीं लोगों से कुछ दुखी थी, राजनीतिक दलों से। सरकारें इस पर काम तो कर रही हैं कि वोट बैंक बढ़ाया जाए, और जनपद अंबेडकर नगर ने तो ऐतिहासिक काम किया है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने ये गांव-गांव में कार्ड छपाए हैं, गांव-गांव में लोगों के घर जा करके आमंत्रण दे रहे हैं, हल्दी चंदन दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं कि आप चलिए वोट डालिए। उसके अलावा 85 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको चिन्हित करके अगर वो अपने घर पे वोट डालना चाहते हैं तो सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि उनके घर पे भी वोट डाला जाए। अब रही बात युवाओं में, एक थोड़ा सा मिसगाइड चाहे लोगों ने किया, चाहे वो हो रहे हैं या फिर ये सही भी हो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि यह राजनीतिक विषय हो जाएगा, किंतु मैं ये आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जरूर लोगों से कि मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ाया जाए। क्योंकि मुझे एक प्रसंग याद आता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे और 7% वोट पा करके एक सांसद वहाँ से चुनाव जीत गए। ये शायद 7% था या कुल 49,000 वोट पा करके वो चुनाव जीते थे, बहुत बड़े नेता हैं वहाँ के कश्मीर के। तो ये एक बड़ा मजाक हो जाता है लोकतंत्र के समक्ष कि 20 लाख मतदाताओं में से जो 50,000 वोट पा जाए वो चुनाव जीत जाए, बाकी 19,50,000 वोटरों का क्या? लेकिन ये जो एक थोड़ी सी उदासीनता है, यद्यपि उदासीनता
अभी लोगों को ये समझाने की भी जरूरत है कि वोटिंग के अधिकार हमको बड़ी मुश्किल से मिले हैं, इतने आसानी से नहीं मिले हैं, और महिलाओं को तो बहुत बाद में जाकर के वोटिंग का अधिकार मिला है। तो ऐसी स्थिति में जन जागरूकता की जरूरत है, और वोट परसेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सरकार को भी ये चाहिए कि ये जो मौसम चुना है उन्होंने, बड़ी गर्मी है, जनता परेशान है, कल का तापमान दिल्ली नजफगढ़ में 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब ऐसी स्थिति में आप क्या अपेक्षा करते हैं कि 50 डिग्री में जनता जाएगी, वो भी तब जब राजनेताओं के ऊपर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है, लोगों को लगता है कि नेता जो है ये दूसरे ग्रह से आते हैं, इनका कार्य व्यवहार आचरण अच्छा नहीं है, जबकि सारे नेता ऐसे नहीं है, लेकिन अब जनता में थोड़ी सी एक बात है। अच्छा हरिओम अनुपम जी, आप काम करते रहे हैं पुरातत्व के लिए, आपने कहा कि आप श्रवण क्षेत्र महोत्सव मनाते हैं, तो इसके पीछे पर्पज क्या था? श्रवण क्षेत्र महोत्सव आपको लगता है कि ये लोकल ऐसी चीज है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी हमने पहले ही आपको बताया कि जब अयोध्या का विकास हो रहा था, मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, विकास बहुत तेजी से अयोध्या में हुआ, हम लोग सब अम्बेडकर नगर में बैठ के चर्चा की, हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो एक प्रयास हमारा ये था, एक लक्ष्य को लेके हम लोग बढ़े कि बनारस से जो भी टूरिस्ट अयोध्या आए वो बाया अम्बेडकर नगर होके आएंगे, और श्रवण क्षेत्र और शिव बाबा धाम ये दोनों बिल्कुल सड़क के ही किनारे हैं, स्थित हैं, तो दोनों जगहों से पहले हम जोड़ें अगर लोगों को, तब उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को हम एक पिकनिक स्पॉट जैसे दर्बन झील है, और भी एक डियर पार्क का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखा है, तो इन सब चीज़ों को उसके बाद विकसित करके जो हमारे पुराने हवेलियां हैं और जो पुराने महल हैं इनको भी हमने अपने एजेंडे में ले रखा है कि इनका कंजर्वेशन भी हम लोग कैसे रेस्टोरेशन वगैरह करा करके, और तब जिससे कोई पर्यटक आए अगर जनपद में तो उसको हम क्या दिखाएं। और बहुत ही बढ़िया प्रसंग आया, हमारे एक मित्र हैं वो लखनऊ में बड़े पद पे हैं, ये किताब एक हमने श्रवण क्षेत्र महोत्सव कराया था तो उसकी एक बुकलेट हमने छपाई थी, वो उनको हम गए लखनऊ भेंट किया हमने, तो उनकी पत्नी देखी बड़ा प्रसन्न हुई, और उन्होंने कहा कि चलते हैं अम्बेडकर नगर श्रवण क्षेत्र धाम चलते हैं। श्रवण क्षेत्र धाम वो खाली उसी मैगजीन को पुस्तिका को देख के आ गई, और यहाँ आई देखी तो कुछ था ही नहीं, तो बड़े दुखी हुई वो। उन्होंने कहा कि अनुपम जी बताओ यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमने कहा कि मैडम अभी तक तो कुछ भी नहीं था वहाँ, अगर आप जाती तो कम से कम 3-3 फीट के घास आपको मिलती, अब तो आपको मैदान साफ मिला होगा, 2-3 घाट पक्के मिल गए होंगे, तो इतना काम हम लोगों ने कराया है। और 8 अगस्त 2023 से अनवरत आरती श्रवण क्षेत्र धाम पर चल रही है जो होती है, इसका भी हम लोगों ने सूत्रपात और स्थानीय जन सहयोग से मिलकर कराया, नॉट ए सिंगल क्वाइन, एक भी रुपया किसी से कहीं से हमने लिया नहीं सर। ठीक है सर, आपको मैं आपसे फिर कहूँगा, आप कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल एजेंडे में क्यों नहीं आ पाता है, जो सामाजिक काम आप कर रहे हैं, पुरातत्व की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, आप खेल की बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि सामाजिक संगठन उसको लेकर इतने गंभीर होते हैं, ये क्यों नहीं आ पाता है राजनीतिक दलों के एजेंडे में? दरअसल अब आप हमको उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था, ये राजनीतिक प्रश्न है। कुल मिला करके अगर मैं कहूँ तो सबके अपने अपने सर्टेन पॉलिटिकल एजेंडे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, और शायद इसी वजह से लोगों ने धार्मिक स्थलों को अछूत मान के रखा हुआ है। सर आपको क्या लग रहा है कि आप कहते हैं कि बच्चों में, लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, उनमें एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए, तो ये शुरुआत से ही आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये हर समय इसकी जरूरत रहती है, कि चाहे बुजुर्ग है उसको भी एक बार प्रेरित करने की जरूरत है, बच्चों को भी ट्रेंड करने की जरूरत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विश्व के कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ राष्ट्र प्रेम घुट्टी दे करके पिलाया जाता है, लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र किसी को कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की जो एक असीमित आज़ादी देता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे यह भी एक कारण है कि लोग राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की जो भावना है उससे विमुख हो रहे हैं। जैसे इसराइल जैसा छोटा सा नन्हा सा देश,
पूरी एक वर्ल्ड कम्युनिटी आप देख रहे होंगे कि उसके अगेंस्ट खड़ी है। जो उसके आका थे उन्होंने भी कहीं मना कर दिया कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी उसने कहा, वहाँ के नौजवानों ने, एक एक आदमी ने कहा। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोगों के मित्र हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी इसराइल वार डायरी, उसको मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा उसको, तो हमने देखा कि वहाँ का एक एक आदमी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। ये जो एक राष्ट्रवाद की भावना, और ये हमारे देश में भी बहुसंख्यक लोगों में है, लेकिन इसका जो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत इसको जो डिस्टर्ब कर दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति एक तरफ हो, राष्ट्रवाद एक तरफ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि सामाजिक जो संगठन हैं वो अपने एजेंडे को पूरा करते रहते हैं और पूरा करते रहेंगे? आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा संरक्षण मिल जाए, समाज का सहयोग मिल जाए, तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं, मतलब कायाकल्प हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक छोटी सी एक वृत्तांत के बाद के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। मोतीलाल नेहरू जी देश के बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनसे कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और आप थोड़ा सा सहयोग करिए। मोतीलाल जी ने यह कहा कि अंग्रेजों का इतना बड़ा साम्राज्य आप कैसे कर पाएंगे, और तमाम बातें उन्होंने कही हतोत्साहित करने वाली। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही जो मैं अपने जीवन में, जिसको मैं सूत्र वाक्य बना के चलता हूँ, कि मोतीलाल कुछ करके तो देखो। और सही बात है कि जब आप मन बना लें कि कुछ करके गुजरना है, कुछ करना है, तो अपने आप चल पड़े क्या है, दो पग, हाँ, पड़ गए कोट पग उसी ओर, रामधारी दिनकर की रचना है। तो बस आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, जनता समाज इंतजार कर रहा है कोई शुरू तो करे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने 1.25 लाख दीपों का दीपोत्सव अम्बेडकर नगर में श्रवण क्षेत्र धाम में कराया, मैंने श्रवण क्षेत्र महोत्सव करवाया, और पब्लिक ने मुझे हाथों हाथ लिया। तो मैं कैसे ये मान लूँ कि जनता में जागरूकता नहीं है? पूरी जागरूकता है, वो चाहते हैं कोई शुरुआत करे, शुरुआत करे, बिल्कुल। लेकिन ये कि आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, आपका कार्य निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुपम पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से अगर जनता की सेवा साफ दिल से की जाए तो जनता खुद ब खुद आती है, और एक शुरुआत की बात है, बाकी सहयोग तो जनता के ही सहयोग से सारा काम होता है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर। रामायण और राम सीधे सीधे श्रवण क्षेत्र से, श्रवण कुमार से जुड़े हुए। भगवान राम का नाम लेके सत्ता में लोग आ गए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो टैंक का फायदा नहीं है? धरातल पर काम तो हो, जनता को काम दिखना चाहिए। वास्तव में देखा जाए अगर तो जनता कहीं ना कहीं लोगों से कुछ दुखी थी, राजनीतिक दलों से। सरकारें इस पर काम तो कर रही हैं कि वोट बैंक बढ़ाया जाए, और जनपद अम्बेडकर नगर ने तो ऐतिहासिक काम किया है, बैंक की राजनीति है, और शायद इसी वजह से लोगों ने धार्मिक स्थलों को अछूत मान के रखा हुआ। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जन जागरण करके और लोगों को अपनी धरोहरों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं। और अगर राजनीतिक दलों ने यह किया होता तो शायद फिर जनता को इसमें इतना उत्साह से भाग लेने की क्या जरूरत पड़ती।